वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये पहन के कहाँ आई हूँ. तो मेरे साथ शेफ हैं और ये लोग हैं जिनके साथ मैं आई हूँ मराजा भोग, और हम लोग बनाने वाले हैं कुछ जो बहुत स्पेशल है. पनीर खीर. पनीर खीर. मैंने आज तक पनीर खीर का नाम नहीं सुना है, वो मैं बनाने वाली हूँ. तो आपको मैं सच बताऊँ, मेरा कुकिंग के मामले में हाथ थोड़ा कच्चा है, बट ट्राई करने में क्या जाता है ना. ठीक है, थैंक यू. चलो शुरू करते हैं. आप दूध पनीर कैसे सिर्फ बादाम और अपना ये काजू. मेरे मुंह में पानी आने लग गया. आप सोच सकते हैं वहाँ दूध है, इलायची का पाउडर है, केसर सिरप है, मलाई है, बादाम है और ये है काजू. वाओ, आई एम एक्साइटेड. आई एम सो एक्साइटेड राइट नाउ. आपको पता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि नॉट बिकॉज आई एम डूइंग दिस स्टोरी, बट मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे डैड, जब भी यहाँ आते हैं, हम मराजा भोग आते ही आते हैं. हमें यहाँ की स्वीट्स बहुत पसंद है. मैं चाहूँगी, बिकॉज मेरे डैड और मेरे भाई को मीठा बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करूँगी घर जाके ट्राई करूँ. अब जल वल जाए तो अलग बात है, कोशिश करने में क्या जाता है. हाँ हाँ, अभी तो मैं महाराज जी हैं साथ में, अदरवाइज मैं इनको फ़ोन करूँगी. अभी ये डाल लिया, अभी क्या करना है. मैं भोपाल से हूँ और भोपाल में दिवाली बहुत धूमधाम से बनती है. होपफुली मैं इस बार भी दिवाली वहीं मना रही होंगी. तो मम्मा ना वो खोपरे का बर्फ़ी बनाती हैं और बेसन की बर्फ़ी बनाती हैं, लड्डू बनते हैं. दिवाली इज बेस्ट, इतना सारा, और पड़ोसियों से इतना सब कुछ आता है, तो ये लेन देन चलता रहता है. सो आई विल ट्राई वहाँ जाके बनाऊँ. आगे वो मुझे बता रहे क्या करना है. आपको एक बात बताऊं, मैं सीक्रेट, जब मेरी मम्मा ये स्टोरी देखेंगी ना, तो बोलेंगी कि जिस तरीके से चम्मच चला रही है उससे पता चल रहा है ये घर में खाना नहीं बनाती है. आज शुरुआत करा दी है जूम टीवी ने मेरी, तो आई एम रियली हैप्पी. कितना डालूं ये? दो चम्मच. ये बेसिकली क्यों डालते हैं कलर? ये बता दो. एक फ्लेवर है ना? हाँ, फ्लेवर है, और कलर भी और फ्लेवर भी. अब मैं पनीर डाल रही हूँ क्योंकि ये पनीर खीर है. कितनी डालूं? दो चम्मच. मेरा दो चम्मच भर भर के होता है. आपकी जो फैंस देख रहे हैं वो पहली बार शायद पनीर खीर बनाने की कोशिश करेंगे. मैं भी पहली बार ही कोशिश कर रही हूँ. सो गाइज प्लीज़ ट्राई, बिकॉज आई एम टेलिंग यू गाइज कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे. मुझे पनीर पर्सनली बहुत पसंद है, मैं देख कर ही एक्साइटेड हो गई. मुझे बादाम पसंद है तो उन्होंने दो चम्मच बोला है, मैं तीन डालूँगी. एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा कि मुझे बादाम पसंद है, तो उन्होंने दो कहा, मैंने तीन चम्मच डाल दिया. आप चाहें तो ये पूरा कटोरी डाल सकते हैं. मुझे काजू इतने नहीं पसंद, ये एक चम्मच डालूंगी. चलो दो डाल देती हूँ. आपको पता है मेरी मम्मा बहुत अच्छी खीर बनाती हैं, लेकिन मैं सिर्फ खाने में माहिर हूँ. मैंने कभी उनसे पूछा नहीं कि कैसे बनाते हो, बट आई विल ट्राई कि घर जाके मैं ये उनको बनाकर खिलाने की कोशिश करूँ. एक बार मैं रिकॉल करती हूँ. सबसे पहले हमने दूध डाला, उसके बाद हमने डाला पनीर, पनीर दो चम्मच डाला, उसके बाद ये सिरप, हाँ सिरप डाला दो चम्मच, फिर इलायची डाला एक चम्मच, फिर बादाम डाला दो चम्मच, काजू डाला एक दो चम्मच. हाँ, तो अगर आप बनाने जैसे आप बनाते रहोगे तो इसको एक घंटे से डेढ़ घंटा लगता है. सही, आधा घंटा मिनिमम. जब तक दूध प्रॉपर पक जाए. अच्छा, जब तक दूध प्रॉपर पकना जाए. और मेरी मम्मा कहती है चलाते रहो, नहीं तो वो गांठ जैसी आ जाती. वो नहीं होता है. मम्मी अब गलत थी. आई थिंक बहुत से लोग होंगे मेरे जैसे जिन्होंने कभी पनीर खीर के बारे में सुना नहीं होगा. तो प्लीज़ मैंने आपको रेसिपी बताई, आप प्लीज़ घर में जाके ट्राई करिए. और दिवाली का मौका है, सबका मुंह मीठा कीजिए. पटाखे जो होते हैं, इससे मीठा को बहुत अच्छा लगता है.
मुझे ऑनेस्टली सिर्फ फुलझड़ी पसंद है, बाकी वो शोर शराबा मुझसे नहीं होता है. तो आई विल ट्राई, प्लीज हैव अ सेफ दिवाली. आप जितने कम फायर क्रैकर्स यूज कर सके प्लीज उतने कम यूज करिए. हाँ यार, वो दिया ही जला लो. दिया ही कितना अच्छा लगता है. एक फुलझड़ी भी अच्छी है अगर आपको शौक करना है, शौक उस पर करना ही है. अदरवाइज वो बॉम्ब बॉम्ब, प्लीज ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. मुझे लगता है मैंने इसमें केसर सिरप ज़्यादा डाला है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है. तो ये फाइनली ठंडी हो चुकी है और मुझे लगता है मैं एक बड़ा सा बाइट तो ले ही लेती हूँ. गाइस आई एम नॉट किडिंग, मैं ये इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं कैमरे के सामने हूँ, बट इट इज़ रियली टेस्टी. एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. मीठा परफेक्ट है, पनीर का टेस्ट आ रहा है, केसर का फ्लेवर आ रहा है, बादाम आए खूब सारे मुँह में, और काजू नहीं है. अच्छी बात है, मुझे काजू नहीं पसंद. इट्स रियली टेस्टी. हाँ मुझे पता है आप लोग देख रहे हो तो खिलाना पड़ेगा ही. बट ये सच में बहुत टेस्टी है. मीठी दिवाली बनाई है और खूब सारी खुशियाँ बांटी है. प्लीज़ ये ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी बनी है. मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को भी अच्छी लगेगी. ऑल्सो क्या नाम है उनका, आशीष, तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करिए. ऑल्सो आशीष महेश्वरी जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मुझे बहुत मज़ा आया. मैं हमेशा से ना जो ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके किचन में जाने के लिए बहुत क्यूरियस रही हूँ, और पहली बार मैं गई, मैंने खुद बनाया, सो मुझे बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली. थैंक यू. दिवाली से पहले आपके फैंस भी थोड़े से दिल दुखी हुए हैं, बट कोई नहीं, कहते हैं ना एक सफर अंततः तो नई शुरुआत होगी. सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए बहुत कुछ है, शायद वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन जब कोई मुझसे ऐसे पूछता है तो मैं बहुत ब्लैंक हो जाती हूँ. कल मैं घर पे बैठी हुई थी और मैं सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ देख रही थी, एंड अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो तो मैंने एक पोस्ट डाला है, वो था बहुत बड़ा पोस्ट, फिर मैंने बहुत कट्टू कट रखा है, लेकिन वो मैंने बहुत दिल से लिखा है और बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं सामने. एक बहुत ही प्यारी जर्नी थी. ज़ारा से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और ये कैरेक्टर, ये पूरा शो मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा. मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया, बहुत सारे दोस्त बना के जा रही हूँ, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सा सूटकेस ले जा रही हूँ जिसमें बहुत सारी यादें हैं. से यार किस तरह से फीलिंग है ज़ारा दिल में है, ज़ारा को निकाल पाना कितना मुश्किल होगा हमेशा के लिए? बहुत मुश्किल होने वाला है. मुझे नहीं पता कि कितना, कब तक वो मेरे साथ रहेगी. आई थिंक वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन वो सेट की यादें, वो रोज़ जाना, वो कितना भी कर लो इंसान, आई नो मेरा डिसीजन था, लेकिन इमोशंस तो जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा मुश्किल है. याद आती है सबकी. अकेले लंच कर रही थी तो मुझे लग रहा था, मैं नॉर्मली अदनान के साथ लंच करती थी, तो आई कॉल्ड हिम, आई सेड यार मुझे अजीब लग रहा है, आई एम ईटिंग अलोन. सो ये सब चीज़ें हमेशा याद आती रहेंगी. बहुत अच्छे लोग, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला. द होल टीम एंड क्रू वॉज अमेजिंग. सो यार मैं भी आप साथ, सबके साथ उसी इमोशन में हूँ. सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच. यू नो मुझे अभी भी याद है जब मैंने ये शो साइन किया था, और मेरे दिल में एक बहुत डर था कि लोग शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा. यू नो मैंने सिर्फ नेगेटिव सोचा था, लेकिन पॉजिटिव इतना ज़्यादा होगा रिस्पॉन्स, ये कभी नहीं सोचा था. तो अगर ज़ारा जितनी भी थी, जहाँ तक भी थी, अगर वो वैसी थी तो वो आप लोगों की वजह से थी. तो मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं हूँ. सो प्लीज़ बी विथ मी एंड आई लव यू गाइज सो मच. थैंक यू.